कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ खाद तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से काम काज हो रहा है जानकारी आपको बताएंगे, मार्केट का व्यू ट्रेंड आपको सारी जानकारी आपको यहाँ से बताने की कोशिश आपको करेंगे। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं आपको बताएंगे, जिसमें सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सोया ऑयल की बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 101 रुपए बोला गया, पामोलिन का बाजार 99 रुपए, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 97 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 128 रुपए, सोयाबीन 4740 से 4750 रुपए तक बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है, बाजारों में जबरदस्त तेजी है। बाजार खुलने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक जानना है तो 9:45 का हमारा शो जरूर ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ज्वाइन करिए डायरेक्ट। आप वहां पर स्क्रीन पर नंबर होगा, क्यूआर कोड होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर आप चल सकते हैं। तो ये आपको एडविल ऑयल के बारे में, कांडला पोर्ट की अगर चर्चा करते हैं तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943 रुपए, फॉरवर्ड में 928 रुपए रहा, पामोलिन का बाजार 965 रुपए, सोया रिफाइन का बाजार 955 रुपए, सोया डीएम का बाजार 882 रुपए, फॉरवर्ड में 880 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। केएलसी की अगर बात करेंगे केएलसी का बाजार पीछे 34 रिंगिट प्लस होता हुआ बाजार बंद हुआ, लेकिन आज सुबह जो केएलसी खुली -71 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। केएलसी में आप देखेंगे सीबॉट का बाजार फिलहाल के लिए आज क्लोज है और केएलसी जो ओपन हुई है आज -71 रिंगिट है। इस समय जब तक आपके साथ मैं वीडियो बोल रहा हूं तब तक इस समय अगर देखा जाए तो केएलसी अभी भी -55 रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। कांडला पोर्ट की ऑलरेडी क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943, फॉरवर्ड में 928, पामोलिन 965 रुपए पे कामकाज, सोया रिफाइन का बाजार 955 रुपए, सोया डीगम 882, फॉरवर्ड में 880, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 985 रुपए पे कामकाज हुआ। तो आपको मार्केट की जानकारी बताई किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। आप देख के चल सकते हैं कि सरसों तेल अभी तक बाजारों में आप देखेंगे बाजारों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कांडला ओलीन भी साल के हाई के करीब आ गया है, राजकोट काटन रिफाइंड पिछले हाई के 101 रुपए के बराबरी के आसपास है। ब्लैक सी में नए सीट के सन सीट की फसल के सूखे से के नुकसान को देखने के लिए का असर बाजारों में देखने मिल रहा है। सन रिफाइंड में जबरदस्त तेजी देखने मिल रही है, शॉर्टेज से राइस रिफाइंड में भी बाजारों में तेजी बना के रखी हुई है। आपने देखा कि लगातार आप बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएमओ ऑफिस में इन्फ्लेशन की चिंता को झटका देते हुए आप देखेंगे अगस्त में जयपुर कोलू तेल एक बार फिर बड़ी तेजी होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। फसल में 25% स्टॉक नाफेड हाफेड के पास है मगर सरकार सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, इसलिए सरसों में धीरे धीरे तेजी बनती हुई बाजारों में मिल रही है। किसान का स्टॉक कम है, सरकार सप्लाई दे नहीं रही है, इस कारण कोलू तेल अगस्त में 11 रुपए किलो की तेजी आई है, मई में 20 रुपए किलो की तेजी सामने अगस्त में तेजी आई है, सरसों अगस्त में 400 रुपए की तेजी इस साल के हाई पे आ गई है, कल में केबल सिर्फ 80 रुपए बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़ी खबर बाजारों में निकल के आई है वो हमने आपको बताया। सोयाबीन की अगर हम चर्चा करेंगे तो सोयाबीन और सोया मील में दबाव हल्का सा देखा जा रहा है। अगर साउथ अमेरिका में सूखे की स्थिति बिगड़ी तो बहुत ज्यादा गिरावट बाजारों में नहीं देखी जाएगी, ज्यादा सप्लाई से सोया तेल की क्रिसिंग बढ़ेगी, तेल की सप्लाई भी बढ़ेगी, मील की डिमांड भी बढ़ेगी, मगर सोयाबीन की सप्लाई ज्यादा रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 96 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6500 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। सोयाबीन में और सरसों में जबरदस्त तेजी है, बाजारों में इंपोर्ट ड्यूटी की जो खबरें चल रही है फिलहाल उसका कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की रणनीति आपको बता दी किसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करेंगे। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, हल्का फुल्का बाजारों में ऊपरी स्तर पर मुनाफा जरूर बुक करते हो चलिए, बाजारों में करेक्शन आएगा वहां पर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। और मार्केट का पूरा व्यू आउटलुक आपको ट्रेंड व्यू सारा कुछ जानना है तो इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन 9:45 का हमारा फेमस शो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग वहां पर सुबह रोजाना जुड़ते हैं, आपको भी जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा वहां पर जाके संपर्क करिए और रोजाना के मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ेंगे, मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ सकते हैं। और बाकी इस तरीके का फ्री का वीडियो आप लोगों को हम सारा कंटेंट देते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।